अस्सलाम वालेकुम मोटर साइंस में हमारा आज का जो लेक्चर है वो इस ओवरव्यू का लेक्चर होगा, जिसमें हम अपने इस चैप्टर का आगाज करेंगे डेटाबेस डिजाइन प्रोसेस। डेटाबेस डिजाइन प्रोसेस दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, सिर्फ इस बेस पर क्योंकि हमने अब डेटाबेस को डिजाइन करना सीखना है। अब अभी प्रैक्टिकली तो उसको इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, वो तो नेक्स्ट चैप्टर से आगाज होगा, बट अभी फिलहाल हम देखेंगे कि किस तरह से हम लोगों ने डेटाबेस को डिजाइन किया करना, उसमें कौन कौन से प्रोसेसेस हैं, वो जस्ट हमने उनकी टर्म्स को समझना है, उनके कॉन्सेप्ट्स को समझना है कि किस तरीके से डेटाबेस को लेकर चलेंगे साथ। उसमें मुख्तलिफ चीजें पढ़ेंगे हम, उसकी मुख्तलिफ फिजिबिलिटी स्टडी के बारे में, हम उसकी इंप्लीमेंटेशन के बारे में, उसकी रिक्वायरमेंट के बारे में, और इसके अलावा मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स के बारे में देखा जाएगा इस चैप्टर में। हमारा जो आज का फर्स्ट लेक्चर है इस चैप्टर का, दैट इज ओवरव्यू अबाउट द डेटाबेस डिजाइन प्रोसेस। हम इसके अंदर जो है अपना ओवरव्यू कवर करेंगे इस चैप्टर का कि डेटाबेस को किस तरह से बेसिकली डिजाइन करना है। छोटी सी बात है, जब भी हमने डेटाबेस डिजाइन करना है तो उससे पहले हमें कुछ चीजों का अंदाजा लाजमी होना चाहिए, पता होना चाहिए कि वो कौन सी चीजें हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, डेटा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मटेरियल फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। हमेशा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो बेसिकली आप कह सकते हैं अगर बेसिक पिलर होता है दैट इज डेटा, वो डेटा होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। तो डेफिनेटली फिर डेटाबेस जहां पर हमने उस डेटा को स्टोर करना है, दैट इज द वेयर हाउस फॉर द डेटा, वो तो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और हमने इस सब चीजों को देख समझ के सोच के अच्छे तरीके से अच्छे अंदाज से क्रिएट करना है ताकि बाद में किसी किस्म का प्रॉब्लम हमारे सामने ना आए। डेफिनेटली जब हम कोई भी चीज क्रिएट करेंगे तो उसमें किसी किस्म का इश्यू तो आएगा, बट हम उन एरर्स को, आप कह सकते हैं उन बग्स को या उन एनोमलीज को हम लोग क्या करेंगे, रिमूव तो करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हमारी कोशिश ये होगी कि हमारा डेटाबेस जो है वो बेस्ट तरीके से बन सके ताकि उसमें किसी किस्म का प्रॉब्लम आए ही ना। अदरवाइज उसको रिजोल्व करने के, उनको इन इश्यूज को खत्म करने के हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होंगे। हम ओवरव्यू से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले डेटाबेस बनाने से पहले हमें किन चीजों का अंदाजा होना चाहिए, जैसे कि अगर हम कुछ इश्यूज या कुछ फ्लॉज क्रिएट कर देते हैं तो डेफिनेटली एट द एंड ऑफ द टाइम, जैसे ही हमारा जो डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा बन जाएगा, तो उसके बाद अगर उसमें डिफेक्ट्स निकलेंगे तो हमारी कॉस्ट, हमारे जो प्रोजेक्ट के ऊपर जितनी भी प्लानिंग के ऊपर टाइम लगा, हमारी रिक्वायरमेंट एनालिसिस के ऊपर जितना भी टाइम वेस्ट हुआ, और उसके अलावा जितनी भी चीजों के ऊपर हमने इन्वेस्टमेंट की, टाइम एंड मनी, और इसके अलावा कॉस्ट आप कह सकते हैं ना, तो ये दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये दोनों भी हमारे क्या होंगे, जाया होंगे, इसलिए हमें फिर दोबारा से क्रिएट करना पड़ेगा और फिर से वही प्रोसेस जो भी हम लोगों ने जितनी भी स्टेजेस को पार किया होगा वो सारा हमें दोबारा से करना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाई हमें कुछ चीजों का बहुत ज्यादा इशू वो जो है वो ख्याल करना है। उसमें से कुछ टर्म्स जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ स्टार्टिंग। तो सबसे पहले अगर हम ओवरव्यू की बात करें तो उसमें हमारे पास कुछ टर्म्स हैं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, फिजिबिलिटी स्टडी। हम सबसे पहले बात करेंगे फिजिबिलिटी स्टडी। तो सबसे पहले हमारे पास स्टेप कौन सा है, फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी स्टडी में हम लोग डेटाबेस के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स के बारे में जानेंगे। ये बेसिकली आप कह सकते हैं प्रैक्टिकल स्टडी है, किसी भी डेटाबेस को बनाने से पहले हमें ये काम लाजमी तौर पर करना है। जैसे कि इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, हम लोगों को उनके बारे में पढ़ना है, उनके बारे में देखना है कि हमारा जो डेटाबेस है बेसिकली उसको किस जगह के ऊपर और कब हमने रन करना शुरू करना है, किस वक्त उसकी बेसिकली इंप्लीमेंटेशन की जाएगी, किन किन एरियाज को हम लोगों ने कवर करना है और कौन कौन से काम हमने साथ साथ करते जाना है। जैसे कि आप लोग ये कह सकते हैं कि जैसे मैं इसमें सबसे पहले क्वेश्चन करता हूं, द एरिया ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड सिलेक्शन ऑफ बाउंड्रीज ऑफ द डेटाबेस। नंबर टू, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ न्यू सिस्टम। हमारे पास जो इस फिजिबिलिटी स्टडी के अंदर हमारे पास जो सबसे पहला पॉइंट आता है दैट इज वो क्या है जी, हमारे पास कॉस्ट। हम लोगों ने इसकी कॉस्ट के बारे में देख लेना है कि जो डेटाबेस हम बनाना चाह रहे हैं क्या वो हमारे बजट के अकॉर्डिंगली है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब हम डेटाबेस का ऑर्डर कर दें या उसको बनाने के ऊपर मुख्तलिफ टीम को हम क्या करें काम करवाना शुरू कर दें और उसके बाद हमें पता चले कि हमारे पास उसकी जो अफोर्डेबिलिटी है वो पूरी नहीं हो पाएगी। सो दैट्स व्हाई हम लोगों को इसके कॉस्ट का फैक्टर जो है वो लाजमी तौर पर पता होना चाहिए। इसके अलावा व्हाट इज द न्यू सिस्टम विल रिटर्न, व्हाट द न्यू सिस्टम विल रिटर्न, कि हमारा जो बेसिकली सिस्टम है वो हमें क्या क्या रिटर्न करेगा, हमें कौन कौन सी आउटपुट मिलेगी इससे, हमें क्या क्या आउटकम्स मिलने वाले हैं, क्या हमारी नीड जो है वो पूरी होने वाली है या नहीं होने वाली, ये सिस्टम जो है क्या हमारी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर पूरा उतरेगा, वो तमाम एस्पेक्ट्स का हमें स्केच ड्रॉ कर लेना है, हमें डिजाइन कर लेना है कि ये चीजें हमने लाजमी तौर पर करवानी है। और अगर हम इनको कर लेते हैं तो उसके बाद क्या हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, हम जिस बेस पर हम डेटाबेस को बनाना चाह रहे हैं या जिस नीड के लिए हम बनाना चाह रहे हैं क्या वो नीड पूरी हो पाएगी, इन तमाम चीजों को हम स्टडी करेंगे फिजिबिलिटी स्टडी के अंदर। और इसके अलावा हम देख लेंगे कि जी हमारे पास जो टाइम का फैक्टर है क्या
वो हमारे गिवन टाइम पीरियड के अंदर उसको पूरा कर पाएंगे, यानी कि अगर हमें डेटाबेस जो है वो रिक्वायर्ड है जी विद इन वन मंथ, तो क्या वो हमें एक महीने के अंदर अंदर वो चीज मिल रही है, हमें एक हफ्ते में चाहिए या हमें एक दिन में चाहिए, वो जो भी टाइम पीरियड है उसके अकॉर्डिंगली बेसिकली हमने ये सारा काम करवाना है। उसमें मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स को देखना है, उसकी जो रेंज है बेसिकली डेटाबेस कितनी रेंज को कवर करेगा, हाउ मच डाटा कैन वी स्टोर इन द डेटाबेस, हम कितना डाटा जो है डेटाबेस के अंदर स्टोर कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम लोगों को एडवांस में स्टडी करनी है, इनको अच्छे तरीके से हम लोगों ने रिसर्च करना है। रिसर्च करने के बाद हम फिर इसका जो है वो फर्दर नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जी हमारे पास जो नेक्स्ट फैक्टर है, दैट इज रिक्वायरमेंट एनालिसिस। रिक्वायरमेंट एनालिसिस से बेसिकली नाम से ही ये शो हो रहा है कि जी ये क्या करेगा, ये बेसिकली जो है वो रिक्वायरमेंट से ही जो है वो रिलेटेड है, मतलब कि हम लोगों को जो डेटाबेस बनाना है उसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए, हमें किन किन चीजों का पता होना चाहिए और कौन कौन से इनपुट्स हम लोगों ने डेटाबेस को देनी है, उन तमाम चीजों की जो बेसिकली रिक्वायरमेंट है उसको कहते हैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस। और इसके लिए बेसिकली हमेशा एक डॉक्यूमेंट रेडी किया जाता है जिसको हम कहते हैं रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। और ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर वो तमाम रिक्वायरमेंट को लिस्ट कर लिया जाता है जो भी हम लोगों को डेटाबेस के लिए चाहिए, मतलब उन तमाम चीजों की एक लिस्ट क्रिएट कर ली जाएगी जो हमें डेटाबेस में चाहिए। फॉर एग्जांपल हम इसमें बात करते हैं जी कि इसके अंदर जो एनालाइजिंग रिक्वायरमेंट्स है, इसके अलावा रिकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट्स है हमारे पास, और लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स जो है, द टास्क ऑफ कम्युनिकेटिंग विद कस्टमर्स एंड यूजर्स टू डिटरमिन वेदर देयर रिक्वायरमेंट्स आर determine whether the stated requirements are unclear, incomplete, ambiguity or contradictory and then resolving these issues. Basically, हम इसके अंदर क्या करते हैं कि किसी भी डेटाबेस को बनाने के लिए हमें कौन कौन से इनपुट्स रिक्वायर्ड है, हमें कौन कौन से काम करने हैं, कौन सी एंटिटीज हमारे पास होनी चाहिए, उन एंटिटीज को किन किन रिलेशन के साथ हमें रिप्रेजेंट करना है और उन रिलेशन या टेबल्स को आपस में किस तरह से मर्ज करना है, कहां पर मर्ज करने की जरूरत पेश आएगी, उन तमाम चीजों को हम लोगों ने देखना है। उसके अलावा कोई भी इनकम्प्लीट, अनक्लियर या एम्बिग्विटी वाली जो हमारे पास टर्म है या हमारे पास डेफिनेशन, ऐसी कोई चीज नहीं होनी। एम्बिग्विटी कहते हैं जिसमें कोई शक हो, किसमें किसी किस्म का कोई हमें अनक्लियर डाउट हो, तो वो चीजें हमें तमाम चीजें जो है वो रिजोल्व कर लेनी है इन द फेज ऑफ रिक्वायरमेंट एनालिसिस। एंड द लास्ट वन इज, इसके बाद आता है जी हमारे पास प्रोजेक्ट प्लानिंग। अब हमें जो है वो अपने प्रोजेक्ट की प्लानिंग करना शुरू करनी, यानी कि जो प्लानिंग का फेज है वो स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि हम लोगों ने काम को मुख्तलिफ हिस्सों में बांट लेना है, हम लोगों ने काम करने के लिए जो भी हमारी लिस्ट है, जो वर्किंग लिस्ट है, उस वर्किंग लिस्ट को रेडी कर लेना है और हम लोगों ने आगे फर्दर अपनी स्टेजेस को पार करते जाना और बढ़ते जाना। यानी अगर सपोज करें हमारी जो फर्स्ट क्वेरी पहले वीक की जो परफॉर्मेंस होगी, यानी कि उस टीम की जो डेटाबेस को डिजाइन करने वाली है वो 10% है, टोटल में से 10% है, तो फिर नेक्स्ट वीक में वो 20-25% होनी चाहिए, मींस के ग्रेजुअली वो जो परसेंटेज है, वो जो वर्किंग है वो बढ़नी चाहिए और हमने वो तमाम लिस्ट को बेसिकली डिजाइन कर लेना है। अगर सपोज करें हमारे पास यहाँ पर एक लिस्ट बन गई है, तो ये वो तमाम टास्क हम लोगों ने यहाँ पर एनलिस्ट कर लेने हैं कि जो भी हम लोगों ने करने हैं। तो प्लानिंग के फेज में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिकली तो कोई चीज परफॉर्म नहीं कर रहे होते, बट वर्किंग में हम वो तमाम चीजों को फाइनल कर लेते हैं कि ये काम हम लोगों ने करने हैं फॉर द डेटाबेस, फॉर द क्रिएशन ऑफ द डेटाबेस। उसके बाद आता है स्टूडेंट्स हमारे पास डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस क्या चीज है जी, हम लोगों ने डेटा की एनालिसिस जो है वो बेसिकली थ्री डिफरेंट मेथड से करनी होती है। जैसे कि इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक तो डेटा फ्लो डायग्राम, डीएफडी मींस डेटा फ्लो डायग्राम क्रिएट की जाती है। इसके अलावा इसके अंदर हम डिसीजन ट्रीज जो है वो बनाते हैं, और इसके अलावा हम इसके अंदर जो है वो डिसीजन टेबल्स को क्रिएट करते हैं, डिसीजन टेबल्स को क्रिएट करते हैं। बेसिकली डाटा फ्लो डायग्राम क्या होती है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है जिसके बारे में हमने डाटा बेस क्रिएट किया है, उसके अंदर डाटा का फ्लो किस तरह होगा, वो फ्लो को क्रिएट करने के लिए वो तमाम स्टेजेस को किस तरीके से हम प्रोसीड करेंगे, उसके लिए डायग्राम बनाई जाती है जिसको डाटा फ्लो डायग्राम कहते हैं, डीएफडी। उसके अलावा हम डिसीजन ट्रीज क्रिएट करेंगे कि बेसिकली डिसीजन ट्रीज क्या होते हैं कि जी किस तरीके से हम लोग बेसिकली जो है वो एक काम में से फर्दर ड्रॉप, जैसे कि ट्री का बेसिकली क्या काम होता है, ट्री एक ऐसी चीज होती है कि जिसके अंदर फर्दर ब्रांचेस निकली होती है और ब्रांचेस के अंदर फर्दर कुछ ना कुछ जो है वो आप कह सकते हैं कि स्टेजेस के साथ वो कनेक्टेड होता है। तो इसी तरह से डिसीजन ट्री के अंदर हम लोग एक काम को प्रोसीड करेंगे। मैंने यहां पर फर्स्ट फेज स्टार्ट किया, उसमें से मैंने दो डेरिवेशन की, नंबर ए एंड नंबर बी। ए में से मैंने फर्दर कुछ डेरिवेशन की,
बस उसमें पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री। तो ये इस तरह से बेसिकली हम एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे जहां से हम रूट कॉज से स्टार्ट करेंगे और उसको आगे प्रोसीड करते जाएंगे, दैट इज कॉल्ड एज डिसीजन ट्री। इसी तरह से डिसीजन टेबल्स बनेंगे हम लोग उसके अंदर, जैसे हम लोगों ने अपना डिसीजन सिलेक्शन स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है, आप लोगों ने कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा होगा मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर। कि बेसिकली हम लोग क्या करते हैं इसके अंदर, हम मुख्तलिफ डिसीजन मेकिंग के कॉन्सेप्ट्स के बारे में देखते हैं। डिसीजन मेकिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, मुख्तलिफ चीजों को आपस में कंपेयर करते हैं कि कौन सी चीज ज्यादा बेटर रहेगी, किस चीज को हम लोग रिमूव कर दें और कौन सी चीज को हम आगे लेकर आए अपने प्रोजेक्ट के अंदर। इसी तरह से हम उसके अंदर इफ एल्स की जो बेसिकली कंडीशन होती है वो अप्लाई करेंगे कि अगर मैं ये कंडीशन इस तरह से इंप्लीमेंट करता हूं तो कंडीशन के ट्रू होने पर मुझे ये वाला हिस्सा जो है वो प्रोसीड करेगा। आप ऐसे समझ लीजिए जैसे तुक्का होता है ना, गेस करना, किसी चीज के बारे में गेस करेंगे, अगर वर्ड्स के भी वो हमारे काम के मुताबिक बिल्कुल ठीक है तो हम क्या करेंगे उसको आगे प्रोसीड करेंगे और बाकी वाले को रिमूव कर देंगे। तो ये है बेसिकली हमारा एक फिजिबिलिटी स्टडी रिक्वायरमेंट एनालिसिस प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड डेटा एनालिसिस का एक फेज के, जिसके अंदर हमने कभी भी किसी डेटाबेस को डिजाइन करने से पहले इन तमाम फोर फेजेस को हमने अच्छे तरीके से डिस्कस करना है, इन तमाम चीजों के ऊपर वर्किंग करनी है और उसके बाद हमने डेटाबेस को जो है वो प्रैक्टिकली परफॉर्म करना या उसको बनाना जो है वो शुरू करना है। ये था जी हमारा आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स इंशाल्लाह अब नेक्स्ट टॉपिक भी नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।